हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। ऑल इंडिया परमानेंट सरकारी नौकरी, जिसमें कोई भी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। चाहे आपने आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी से भी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है तो आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, लेवल 4 के अकॉर्डिंग सैलरी रहेगी। बेसिक पे जो है 25,500, और इसमें जो है बहुत सारे जो हैं गवर्नमेंट अलाउंसेज अगर हम ऐड करेंगे तो सैलरी और भी अच्छी जाएगी। ठीक है, 81,100 जो है सैलरी जो है इसमें मैक्सिमम दी हुई है। आयु 21 से लेकर 35 ईयर है, आयु सीमा में छूट है। महिला वर्ग को, SC ST वर्ग को कितनी छूट दी गई है वो हम नोटिफिकेशन में देखेंगे। फीस भी ज़्यादा नहीं लग रही है, मात्र 100 रुपये जो है जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी के हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जहाँ पर कोई भी स्नातक पास कैंडिडेट, किसी भी जो है आपने महाविद्यालय से, किसी भी संस्थान से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर 36 पेजों की जो है PDF फाइल है, ध्यान से जो है देखें और समझें। उसके बाद जो है नोटिफिकेशन पूरा पढ़ने के लिए लिंक आप लोगों को शेयर किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहेंगे तो अच्छे से जो है नोटिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, वेतनमान जो आप देखें पे मैट्रिक्स लेवल 4 के अकॉर्डिंग है सैलरी, और आपने किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय संस्थान से स्नातक या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। रिक्तियों का विवरण यहाँ दिया गया है, जिसमें आरक्षण कोटि कुल कितने पद हैं, पदों की संख्या, कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण, तो आरक्षण जिन कैटेगरी को है, जिसमें महिला कैंडिडेट के लिए अलग सीट है। अनारक्षित वर्ग 182 वैकेंसी है, और कुल जो है महिला वर्ग की इसमें 22 वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 454 है, 454 पदों पर वैकेंसी आई है। तो वैकेंसी जो है झारखंड सचिवालय की तरफ से है। परीक्षा शुल्क जो है 100 रुपीज़ है, 50 रुपये जो है यहाँ पर झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए है। तो ये JSSCE 2024 झारखंड सचिवालय आंसू लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 2024, ठीक है, कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है। तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा इसमें अब हम ये देख लेते हैं। आयु सीमा जो देखें आप, न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है, अधिकतम 35 वर्ष है जनरल कैटेगरी की, EWS की। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 37 है, और सॉरी यहाँ केवल पुरुष के लिए है। ठीक है, महिला वर्ग के लिए चाहे वह जनरल कैटेगरी की है, बाहरी राज्य की है, 38 ईयर इसमें उम्र रखी गई है, चाहे किसी भी कैटेगरी की महिला हो। पुरुष और महिला अगर SC ST के हैं तो इनको और भी छूट है, 40 वर्ष है। निःशक्त अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है। और भी देख लेते हैं, जो भी आरक्षित वर्ग हैं तो उनको अपना प्रमाण पत्र जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको लगाना होगा, ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना, सबमिट करना, कैसे करना है, तो स्टेप बाय स्टेप इसमें सारी चीज़ें हैं। तो जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे jssc.nic.in, तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना होगा, अभी आपको बता देंगे। पहले जो है नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। स्टार्टिंग डेट जो है इसमें 6 सितंबर 2024 से लेकर 5 अक्टूबर 2024 तक आवेदन आप कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन की तिथि जो है वो काफी आगे है। आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन की जो डेट है वह भी यहां पर बताई गई है, 7 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक। परीक्षा का स्वरूप क्या होगा तो अब हम ये देख लेते हैं। प्रथम चरण में कौशल जांच परीक्षा होगी, द्वितीय चरण में लिखित परीक्षा होगी। प्रथम चरण की जो कौशल जांच परीक्षा है तो इसमें केवल पास होना है, क्वालिफाइंग नेचर रहेगा इसका, और जो द्वितीय पत्र रहेगा आपका द्वितीय चरण में आपकी जो लिखित परीक्षा होगी ये आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 300 अंक के, हिंदी इंग्लिश के 25 जो है क्वेश्चन रहेंगे।
सामान्य अध्ययन के भी 25 क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे 25। बहुत ही सामान्य आपका यहाँ पर सिलेबस भी बहुत जो है सरल दिया हुआ है, मैंने देखा है। प्रथम पत्र में 30% अंक जो है प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ये सिलेबस है। सिलेबस जो है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही सामान्य सिलेबस है। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा सचिवालय आशू लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा है और इसमें ऑनलाइन आवेदन की डेट जो है 6 सितंबर 2024 से लेकर 5 अक्टूबर 2024 तक रहेगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, इस पर जाकर जो है आप लोग आवेदन कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आएंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना होगा। नोटिफिकेशन कैसे चेक करेंगे, तो वीडियो में तो आपने देखा ही है, यहाँ पर नोटिस में एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करना है या फिर नीचे आप देखेंगे व्हाट्स न्यू में व्यू ऑल पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है, ऐसे करना है। और यहाँ पर देखें एडवर्टीजमेंट ऑफ JSSCE 2024 और यहाँ पर देखिए रेगुलर वैकेंसीज़ हैं और बैकलॉग की वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, वीडियो में मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। और अगर आप अप्लाई करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर सबसे ऊपर इम्पोर्टेंट लिंक्स में एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई, इस पर क्लिक करना होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी भी राज्य की वैकेंसी जहाँ आप आवेदन कर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले टीचिंग लाइन की स्पेशली जितनी भी वैकेंसी आती हैं तो उनकी सूचना तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मिलती ही है। थैंक यू।